नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे खबरों की। सूरजपुर में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ ही चार और लोगों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन और नगर पालिका को लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक अभी कई और लोगों के घरों पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बुलडोजर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही बुलडोजर एक्शन हो रहा है सूरजपुर के अलग अलग हिस्सों में। चार और लोगों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम आज सुबह से ही यहां पर मौजूद है। भारी सुरक्षा के बीच में यहां बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। ओपी, कुलदीप साहू के अलावा और किस किस के खिलाफ ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है? बिल्कुल मनु, जो पुराना बस स्टैंड में जो मुख्य आरोपी का घर था उसकी बाउंड्री को तोड़ा गया, और उसके बाद जो उसका दूसरा मकान जो था तुरिया पारा जगह बताया जा रहा, वहां पर जो आरोपी है उसके मकान को तोड़ा गया। और साथ में वहां पर कुछ अन्य मकान थे जिसको लगातार शिकायत मिल रही थी कि वो भी अवैध अतिक्रमण में है, उनको भी तोड़ा गया। इस दौरान हालांकि कुछ बहस भी देखने को मिली, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका बिल्कुल रुके नहीं और उन्होंने कई अतिक्रमण को तोड़ा है। अभी जो बताया जा रहा है चार मकानों को तोड़ा गया है। और जो अभी नई जानकारी है वो ये है कि जब जो आरोपी है उसके बाउंड्री को तोड़ा गया था और अब उसके मकान को भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही उसका घर है जो सवेरे तोड़ा गया था और अब उसके मकान को तोड़ने की कवायद चल रही है। और जो जिला प्रशासन है और जो पुलिसकर्मी है वो मीडिया को भी वहां जाने से मना कर रहे हैं। साथ ही आम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड किया गया हुआ है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो भी इधर जाना चाहते हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो या कोई अन्य लोग, उनको रोक दिया गया है। और अब जो कार्रवाई चल रही है, जो मुख्य आरोपी है उसके जो मकान तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद शायद हो सकता है कि वहां जाने की परमिशन दी जाए और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि जो कहा जा रहा था कि 2.5 डिसमिल का पट्टा है और उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा या पूरे मकान को तोड़ा गया है, वो पूरा कार्रवाई होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जी मनु, ओपी तिवारी, ये पूरी कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से की जा रही है, और क्या जिन लोगों पर अब कार्रवाई हो रही है जहां आप खड़े हैं, इनको पहले नोटिस दिया गया था? किसी तरह का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है इस कार्रवाई के खिलाफ? जी बिल्कुल मनु, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना, और उनका आरोप यही है कि पहले उनको नोटिस नहीं दिया गया था, कोई जानकारी नहीं दी गई थी और एकाएक बुलडोजर लगाया गया और उनके मकानों को तोड़ दिया गया। जो आरोपी है उसके मकान को तोड़ने को लेकर किसी में कोई बहस की स्थिति नहीं है, सभी कोई एकजुट होकर इसके लिए तैयार है। लेकिन जो आम लोगों का मकान टूटा है उसमें जरूर जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो नगर पालिका के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। वही अगर नगर पालिका की बात किया तो उनका यह कहना है कि उनको लगातार शिकायतें मिल रही थी और एक बार नहीं कई बार उस अवैध अतिक्रमण वासी को भी वो नोटिस दिया गया था। ऐसे में दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपना पक्ष है, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है जो मुख्य आरोपी है उसके मकान के साथ ही चार अन्य लोगों के मकान को भी जमींदोज किया जा चुका है। और फिलहाल अभी भी जो नगर पंचायत की नगर पालिका की जो कार्रवाई है वो जारी है और बड़ी संख्या में जिला प्रशासन की टीम और पुलिस महकमा मौके पर मौजूद है। जी मनु, तो सूरजपुर में तो आज सुबह होते ही बुलडोजर पहुंच गया था, तो नगर पालिका की टीम पूरी तरह से आज एक्शन में है। लग रहा है कि आज पूरे दिन ही बुलडोजर गरजेगा सूरजपुर में अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल मनु, निश्चित रूप से आज सुबह लगभग 6 बजे से ही यहाँ पुलिस बल पहुंचना शुरू हो गया था। 6:30 बजे तक बड़ी संख्या में JCB आ गए थे, जो राजस्व के अधिकारी है वो पहुंच गए थे, और सुबह लगभग 6:30 बजे से ही बुलडोजरी कार्रवाई जारी है और जो अभी तक लगातार चल रही है और कई एरिया में चल रही है। ऐसा नहीं कि मात्र एक जगह जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही हो, करीब 3 या 3 से 4 जगह बताया जा रहा है जहां पर लगातार जो नगर पालिका है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि निश्चित ही ये कार्रवाई कंप्लीट होने में तो कम से कम शाम तो बीतेगा ही, और ऐसे में अगले कुछ दिनों तक छुट्टी है, तो नगर पालिका के जो अधिकारी वो भी ये चाहते हैं कि आज इस काम को पूरी तरह से निपटा लिया जाए ताकि जो दिवाली का त्योहार है उनका अच्छा मन सके। हालांकि जो आम लोगों के जो मकान टूटे हैं उनकी दिवाली जरूर खराब हो गई है, वो जरूर इस चीज का विरोध दर्ज करवा रहे हैं।
ठीक है ओपी तिवारी, आप नजर बना के रखिएगा, फिर आपसे जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।